गाइस वेलकम बैक टू पीडी आर्टोग्राफी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये पहली बार है कि मैं पूरा ट्यूटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, और इस बार हिंदी में ये ट्यूटोरियल बनाने की वजह यही है कि ये ट्यूटोरियल फोटोशॉप का नहीं बल्कि PicsArt का है, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है एडिटिंग की, जो कि अभी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसके बारे में एक ट्यूटोरियल ले करके आऊँ। तो बस यही वजह है कि मैं ये ट्यूटोरियल हिंदी में कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ने मुझे अब इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहता हूँ और बहुत सारे बड़े पोस्ट डालता रहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम PicsArt ओपन कर लेंगे, और इसमें हमारा बैकग्राउंड जो है वो ओपन कर लेंगे, ये ड्रैगन वाला। ये बैकग्राउंड जो है गाइज वो फुल HD में है, मैंने खुद बनाए हुए फोटोशॉप के अंदर। इसका और बाकी एक और PNG है जो इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब हम सीधा जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर, और यहाँ पे जो लेयर्स का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ क्लिक करके हम लोग फोटो लेयर क्रिएट करेंगे, और इसमें हम अपनी कटआउट की हुई जो फ़ोटो है उसको ओपन करेंगे, जो कि PNG फॉर्मेट में रहती है बिना बैकग्राउंड के। अब मैंने जो है यहाँ पे मॉडल का बैकग्राउंड पहले से ही रिमूव करके रखा हुआ है। वैसे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे इसके ऊपर बारे में, फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि मॉडल को कैसे रिमूव करें, बैकग्राउंड से अलग करें। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब आगे बढ़ते हैं, और फिर से हम एक और फोटो लेयर बनाएंगे, और इस बार ये वाली जो स्नोफॉल की जो PNG है वो सिलेक्ट करेंगे, और इसका ब्लेंडिंग मोड जो होता है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्क्रीन। फिर अगर कोई एरिया आपके मॉडल के ऊपर आ रहा है तो यहाँ से आप इरेज कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब ये जो एम्प्टी लेयर है उसे हम सबसे ऊपर ले करके यहाँ से ब्रश टूल ले करके ब्लैक कलर से यहाँ पे ऐसे पेंट कर देंगे, और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करके नीचे से ऐसे लगा देंगे। ये अगर आपको चाहिए तो ही लगाना है, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब ये फ़ोटो को यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे। अब इसके आगे जो है वो कलर ग्रेडिंग है, जो हम लाइट रूम में करेंगे, क्योंकि लाइट रूम सबसे बेस्ट है कलर ग्रेडिंग के लिए। अब हम लाइट रूम ओपन करके सबसे पहले हमारी जो सेव की हुई इमेज है उसको ऐड करेंगे लाइट रूम में, और फिर ओपन कर लेंगे। अब जैसे जैसे मैं सेटिंग्स चेंज करता जाता हूँ वैसे वैसे आप लोग भी सेम टू सेम सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। मैं एक एक एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे तो ये सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से ही करनी होती है, पर अगर आप लोग लाइट रूम यूज़ करना नहीं जानते तो जैसे मैंने कहा ये सारी सेटिंग्स आप लोग भी देख के फोटो पे अप्लाई कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ वो। We'll be right back.
तो ये देखिए गाइस, PicsArt में ये फोटो कैसी लग रही थी और यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करने के बाद कैसी दिख रही है। तो बस यही था गाइस, ये मेरा पहला PicsArt का ट्यूटोरियल है और पहला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो इसीलिए शायद मैं थोड़ा नर्वस भी साउंड कर रहा था, तो सॉरी फॉर दैट गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड स्टे क्रिएटिव। I got the horses in